नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। बिहार में 24 सीटों पर होने वाली है एमएलसी चुनाव। इससे पहले भी चुनाव हो चुका है, मगर बिहार में 2 विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ था जिस पर काफ़ी घमासान देखने को मिला था। मगर इस बार जो है वो 24 सीटों पर घमासान होने की संभावना है, मगर कहीं ना कहीं देखने को यह आती है कि राजद दावा करती है कि हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस दावा करती है कि बिहार में हम राजद के साथ हैं, मगर क्या सच में वो लोग जो हैं वो दोनों टीम है, क्या सच में साथ में है, क्या लग रहा है इससे? तो आरजेडी कांग्रेस और महागठबंधन में दिक्कत कहाँ है? जब हम तारापुर और कुशेश्वर स्थान हारे अलग अलग लड़के, तो आरजेडी सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि अब जो भी चुनाव होगा हम साथ लड़ेंगे। और खासकर उन्होंने स्थानीय निकाय से जो 24 विधान परिषद सीटों का चुनाव होना है उस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि हम भी लड़ेंगे, 6-7 सीट पर कांग्रेस पार्टी भी लड़ेगी, और अगर वक्त पड़े या जरूरत पड़े तो चिराग पासवान जी भी आएंगे तो उनका भी स्वागत है, वाम मोर्चा भी लड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से बड़ा कोई नेता है। और जब वो खुद ही बोल चुके हैं तो अभी में इस इफबट की बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय, अभी हम लोग का औपचारिक बैठक नहीं हुई है आरजेडी सुप्रीमो से लेकर कांग्रेस को जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन लोगों में अब तक बैठ के बातें नहीं हुई है, दूरभाष पे बात चल रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 1 सप्ताह के अंदर एक बेहतर संकेत आएगा जो आप लोगों के सामने होगा कि महागठबंधन एकजुट है, कौन सीटों पर और कितने सीटों पर महागठबंधन के कौन कौन से दल के कौन कितने प्रत्याशी होंगे इसका भी क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि किसी प्रकार का कोई विवाद महागठबंधन में सीटों पे नहीं है, और इसलिए नहीं है कि हम लोग अलग लड़ते हैं तो NDA जीत जाती है। तो ऐसा ना लालू प्रसाद यादव जी चाहेंगे, न तेजस्वी जी चाहेंगे, ना हम चाहते हैं, ना वाम मोर्चा चाहता है, हम सब चाहते हैं। यहाँ पर 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा। इससे पहले जब राजद से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमने जब ये सवाल किया था कि 24 सीट पर चुनाव हो रही है तो आप कांग्रेस को कितना सीट देंगे, कुछ सीटों को लेकर जो आप लोग का तालमेल भंसा हुआ था, तो राजद की तरफ से ही ये बयान आता था कि वो पूरे सीट ले ले, इस तरह का बयान। देखिए, हम समझते हैं कि हम प्रवक्ताओं का जो काम है शीर्ष नेतृत्व के संवाद को सामने में रखना, और जहाँ शीर्ष नेतृत्व स्वयं बोल दे तो वहाँ तो हम लोगों का रोल खत्म हो जाता है। जब आरजेडी के सुप्रीमो स्वयं बोल चुके हैं तो उस बात का खंडन करने की क्षमता आरजेडी में किसी को है? मेरे यहाँ ही आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी बोल दे, प्रदेश अध्यक्ष स्वयं बोल दे, CLP लीडर बोल दे, उसके बाद मेरा रोल रह जाता है क्या? साथ में दिखेगी इस बार निश्चित तौर पर, चूंकि अलग लड़ने का परिणाम हम लोग भुगत चुके हैं, ये दोनों सीटों हम हार चुके हैं उपचुनाव में। अब हम लोग नहीं हारना चाहते हैं, ना हम हारना चाहते हैं, ना आरजेडी हारना चाहती है, हम दोनों मिलके NDA को हराना चाहते हैं। राजनीति से अगर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बिहार में आते हैं, बिहार में हम लोग रहते हैं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, भले ही अभी कुछ दिनों से वो कोविड से पॉजिटिव है तो वो होम क्वारंटीन हुए हैं, मगर बिहार में जिस तरह से शराबबंदी को लेकर ये जो ड्रामा चल रहा है, ड्रामा बोलना गलत नहीं होगा, ड्रामा चल रहा है, एक तरफ बिहार के मुखिया हर जगह जाकर बिहार के नेतृत्व में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि शराबबंदी है, महिलाओं को जो है दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, मगर ठीक दूसरे ही दिन उन्हीं के क्षेत्र से शराब से कई एक लोगों की मृत्यु हो जा रही है। आपने ठीक ही कहा कि शराबबंदी एक ड्रामा हो गया है। मैं तो एक सवाल करता हूं आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके पार्टी के लोगों से, क्या वो बताएंगे कि बिहार में शराबबंदी है? हम तो मांग करते हैं आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी एक स्वतंत्र एजेंसी से पहले ये सर्वे कराए कि बिहार में शराबबंदी है क्या। अगर शराबबंदी है तो चर्चा क्या, और शराबबंदी नहीं है तो ढोंग क्या। अभी कुछ देर पहले का नीरज कुमार का एक बयान आता है, वो बोलते हैं कि कई देशों में, कई राज्यों में शराबबंदी है, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं कि इस तरह का जो बिहार में आप लोग हंगामा कर रहे हैं कि शराब से मौतें हो रही है, जहरीली शराब बन रही है, तो ये सब चीज़ तो होते रहता है। वही मैंने कहा कि एक स्वतंत्र एजेंसी से यह जांच करा ले, सर्वे करा ले, तब इनको पता चलेगा कि जिन राज्यों में शराबबंदी है वहाँ बिहार की तरह मौतें तो नहीं हो रही हैं।
जिन राज्यों में शराबबंदी है वो राज्य की माली हालत क्या बिहार जैसी है या बिहार से बेहतर है? सिर्फ शराबबंदी का नाटक कर देना वो शराबबंदी नहीं हुआ पहले, इसलिए मैं कहता हूँ, पांच सवाल आपके सामने मैं रखता हूँ, क्या बिहार में शराबबंदी है? इसकी सर्वे हो, है तो किसी बात की चर्चा मुख्यमंत्री नहीं करे। अगर शराबबंदी किसके पास जा रहा है, आज वो जहरीली शराब से मौत हो रही है, उसमें बड़े लोगों की संख्या क्यों नहीं है, गरीब लोग क्यों हैं? और यह जो माफिया है शराब का, उसका नाम सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं करती है? लेकिन करेगी नहीं, अच्छा, नहीं चूंकि आपको कि नहीं करेगी, पक्का नहीं करेगी शराब। अरे मैंने कहा ना बिहार में शराबबंदी नहीं है, किसी कोई माइक लाल है तो बिहार में बताया कि शराबबंदी है। अगर शराबबंदी है तो जहरीली शराब से मौतें कैसे हो रही हैं? शराबबंदी अगुवाई में ही शराब बिक रही है तो हमारा और आपके औकात है कि विपक्ष शराब बेचवाएगा, पुलिस पकड़ के जेल में नहीं रख देगा? सरकार के संरक्षण में शराब माफिया, बालू माफिया, अब नया माफिया आएगा ईंट माफिया, फलेगा फूलेगा, आम लोग मरेगा। तो विपक्ष इसको रोकने का काम नहीं कर रही है क्या? विपक्ष तो हर संभव प्रयास कर रहा है, आज भी अखबार देखोगेगा कि विपक्ष चाह रहा है कि शराबबंदी कानून सख्त हो और सत्ता पक्ष चाह रही हो ढील हो, तो इसे स्पष्ट हो गया। चलिए ठीक है, तो अभी हमारे साथ जैसा कि आपने देखा है किस तरह से राजेश जी थे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, जिन्होंने साफ तौर से सवाल सरकार से ही कर डाला है कि किस तरह से शराबबंदी है, शराबबंदी है या नहीं। खैर ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तब तक के लिए दे हमें इजाजत, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।